हर लड़के की लाइफ में एक वक्त ऐसा आता है जब उसके घने बाल भी पहले से पतले होने लगते हैं, झड़ने लगते हैं और वो धीरे धीरे गंजा हो जाता है। मेल पैटर्न बॉल्डनेस इसी का नाम है। हम लड़के एक पैटर्न में गंजे हो रहे हैं और स्क्रीन पे आपको जो दिख रहा है ये इस पैटर्न के अलग अलग स्टेजेस है। हम सब लड़के इसी पैटर्न में गंजे होते हैं और अगर आप इस पैटर्न के फर्स्ट, सेकंड या थर्ड स्टेज पे हो तो आप इस पैटर्न को रोक सकते हो, तोड़ सकते हो। और इसे तोड़ने के 3 स्टेप्स हैं, ध्यान से सुनो। सबसे पहला स्टेप है जो बाल आपके झड़ रहे हैं उन्हें रोकना है, देखो कम करना है, क्योंकि बालों का झड़ना बिल्कुल रोका नहीं जा सकता। 50 से 100 बाल नेचुरली भी झड़ते हैं। स्टेप नंबर 2 है जो बाल ऑलरेडी स्कैल्प पे हैं उन्हें नेचुरली अच्छा बनाना है, थिक बनाना है, हेल्दी बनाना है, घना बनाना है। अब उसके बाद स्टेप नंबर 3 आता है हेयर रीग्रोथ, मतलब बालों को फिर से उगाना है। अब इसके नेचुरल और मेडिकल दोनों तरीके हैं, दोनों बताऊंगा आपके स्टूडियो में। वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि यहां मिलेगा आपको जेन्युइन सॉल्यूशन बिना किसी पेड प्रमोशन। शुरू करते हैं स्टेप नंबर 1 से। मान लो कि आप घर से कहीं बाहर निकले, अपनी गाड़ी को स्टार्ट किया आपने और वो स्टार्ट ही नहीं होती है, तो आप क्या करोगे? चेक करोगे कि भाई कहीं पेट्रोल तो नहीं खत्म है, या फिर कहीं स्पार्क प्लग में दिक्कत है, या बैटरी डेड हो गई है। तो अगर आपकी बैटरी डेड है तो आप पेट्रोल की टंकी भराओगे तो नहीं ना, उसकी पेट्रोल भराने से तो गाड़ी नहीं चलने वाली। अब इसी तरीके से आपका हेयर फॉल क्यों हो रहा है, जब आपको यही नहीं पता होगा तो आप कोई भी सोल्यूशन के पीछे क्यों भाग रहे हो? सबसे पहले तो कारण के पीछे भागो ना कि कॉज क्या है आपके हेयर फॉल का। आपके टीवी या मोबाइल की स्क्रीन पे आके कोई बंदा आपको कहता है कि ये गोली खा लो या ये तेल लगा लो आपके बालों का झड़ना कम हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं है उस पर भरोसा करने की, बकवास कर रहा है वो। क्योंकि आपका कॉज अलग हो सकता है बाकियों से, तो आपका क्योर भी तो अलग होगा ना। अब हेयर फॉल होने के ना बहुत से कारण हो सकते हैं, कई बेसिक रीजंस जो है वो मैंने इस वीडियो में कवर किए थे, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बेसिक रीजंस नहीं, कुछ ऐसे रीजंस बताऊंगा जो कि थोड़ा मुश्किल से पकड़ में आते हैं, आसानी से पकड़ में नहीं आते। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हम अच्छी डाइट, अच्छी हेयर केयर रूटीन फॉलो कर रहे हैं फिर भी हमारे बाल क्यों झड़ रहे हैं। ऐसे रीजंस क्या हो सकते हैं? सबसे पहला रीजन है विटामिंस की डेफिशिएंसी। मेरे ही एक सब्सक्राइबर ने मुझे इंस्टाग्राम पर अप्रोच किया, उन्होंने मुझे अपनी फोटोज भेजी, अपने बारे में बताया कि भैया मैं अच्छा हेयर केयर रूटीन फॉलो कर रहा हूं, अच्छी डाइट फॉलो कर रहा हूं, फिर भी मेरे बाल जो है जरूरत से ज्यादा झड़ रहे हैं, पतले होते जा रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो मैंने उसे यही सजेस्ट किया कि आपकी प्रॉब्लम इंटरनल हो सकती है, इसके लिए आपको एक ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए। और ब्लड टेस्ट करवा के उनके रिपोर्ट्स में विटामिन डी के लेवल्स बहुत ज्यादा लो आए, उनके खुद के डॉक्टर ने उसे एक विटामिन डी के सप्लीमेंट्स प्रिस्क्राइब किए, और साथ ही साथ ये भी बताया कि आपके जो बाल हैं वो विटामिन डी लेवल जब लो होते हैं तो उसकी वजह से पतले हो सकते हैं, झड़ भी सकते हैं। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप जाके विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट कर दो, देखो आपका कॉज अलग हो सकता है। हो सकता है आपकी बॉडी में विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी है जो बालों को थिक और स्ट्रांग बनाता है, आपकी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है, तो भाई आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका कॉज क्या है। तो अगर आप भी एक अच्छा हेयर केयर रूटीन फॉलो कर रहे हो, अच्छी डाइट फॉलो कर रहे हो, आपके सब चीजें सब पैरामीटर्स ठीक है, तो आपको एक ब्लड टेस्ट करवा लेना चाहिए, उससे आपको श्योरिटी हो जाएगी कि आप पता कोई इंटरनल विटामिन डेफिशिएंसी हो आपकी बॉडी में। और अगर ब्लड टेस्ट करवा ही रहे हो तो साथ ही साथ डीएसटी का भी एक टेस्ट करवा लेना, क्योंकि यही है हमारा दूसरा रीजन। डीएसटी फुल फॉर्म डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, एक हार्मोन है जो हम सब लड़कों की बॉडी में नेचुरली प्रेजेंट होता है, कई लड़कों की बॉडी में जरूरत से थोड़ा ज्यादा हो सकता है, इसका रीजन जेनेटिक है। डीएसटी क्या करता है, आपके हेयर फॉलिकल्स के साथ जाके चिपक जाता है और उसे धीरे धीरे पतला करता है, छोटा करता है, बंद कर देता है, कोई नए बाल उगने ही नहीं देता है। तो अगर आपके हेयर फॉल का रीजन डीएसटी है तो आपको इसे ब्लॉक करना पड़ेगा। ब्लॉक करने का मतलब है इसकी लेवल्स को कम करना पड़ेगा। डीएसटी ब्लॉकिंग फूड्स भी आते हैं, डीएसटी ब्लॉकिंग सप्लीमेंट्स भी आते हैं, आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा कि आपको क्या लेना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए। अब जब आपको अपना कॉज समझ में आ गया तो आप उसे क्योर करने की तरफ जाओगे, और क्योर करने के बाद अगला स्टेप आता है कि जो बाल ऑलरेडी स्कैल्प पे हैं उन्हें आपको नेचुरली हेल्दी बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, ज्यादा थिक बनाना है। अब जब आप अपने कॉज को क्योर करने की तरफ जा रहे हो तो साथ ही साथ आप इस प्रोसेस को भी करने लग जाओगे, क्योंकि आपके बाल जो पतले हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं, उसका रीजन भी वही है जिसकी वजह से आपका हेयर फॉल हो रहा है। तो जब आप अपने हेयर फॉल को क्योर करोगे साथ ही साथ आपका स्कैल्प भी हेल्दी होने लगेगा, आपके बाल जो ऑलरेडी स्कैल्प पे हैं वो भी अच्छे होने लग जाएंगे। साथ ही कुछ स्टेप्स आप और फॉलो कर सकते हो, जैसे कि स्कैल्प मसाज। स्कैल्प मसाज करने से क्लिनिकली प्रूवन है कि बालों की थिकनेस इंक्रीज होती है, बाल ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो 2 से 5 मिनट आपको रोज अपने स्कैल्प की मसाज करनी चाहिए। देखो मैं ऑयलिंग रोज करने को नहीं कह रहा हूं, रोज रोज ऑयलिंग नहीं करनी आपको, ऑयलिंग हफ्ते में 2 से 3 बार ही करो, लेकिन उसके अलावा भी अपने स्कैल्प की मसाज आपको 2 से 5 मिनट रोज करनी चाहिए। मेडिटेशन करना आप शुरू कर सकते हो 10 से 15 मिनट रोज, उससे हेल्प मिलेगी आपके बालों को। कई योगा की एक्सरसाइजेज होती हैं जिससे आपकी स्कैल्प की तरफ, आपके सर की तरफ ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है, जो आपको स्क्रीन पे अभी दिख रही होंगी। इन एक्सरसाइजेस को करना आप स्टार्ट कर सकते हो। कुछ नहीं करना तो अपने बेड की एज में ना अपने सर को पीछे की तरफ करके लेट जाओ और बैठे बैठे बालायाम प्रैक्टिस कर सकते हो। भाई बूंद बूंद से घड़ा भरता है और छोटी छोटी बातों से आपके बाल स्ट्रॉन्ग होंगे। वीडियो के बीच में एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाहता हूं मैं, अगर ये वीडियो भी आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज इस पे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। मेरे जैसे छोटे यूट्यूबर को इससे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं बिल्कुल पेड प्रमोशन ना करूं और सिर्फ ऐसे ही जेन्युइन वीडियोस बनाऊं आप लोगों के लिए। तो अब हम फाइनली आ गए हैं स्टेप नंबर 3 पे। दुनिया के 2 सबसे मुश्किल काम, पहला तो है वजन घटाना और दूसरा है नए बालों को उगाना। नेचुरल और मेडिकल दोनों तरीके हैं बाल उगाने के, दोनों आपको बताऊंगा। सबसे पहले मेडिकल से स्टार्ट करते हैं। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इस दुनिया में सिर्फ 3 दवाइयां ऐसी हैं जो कि क्लिनिकली प्रूवन है, साइंटिफिकली प्रूवन है कि आपके नए बाल उगा सकती हैं। सबसे पहली है दुतास्टेराइड, दूसरी है फिनास्टेराइड और तीसरी है मिनोक्सिडिल। मिनोक्सिडिल इन तीनों में सबसे ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि वो सबसे आसानी से मिल भी जाती है। आप अपने पास की केमिस्ट की शॉप पे जाओगे, उसे कहोगे कि भैया मिनोक्सिडिल 5% दे दो, वो आपको फट से उठा के दे देगा। लेकिन बाकी दोनों दवाइयां आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही मिलेंगी, ऐसे नहीं मिलेंगी। तो सबसे पहले मिनोक्सिडिल को ही कवर कर लेते हैं। ये दवाई की फॉर्म में भी आती है और सोल्यूशन जो अप्लाई करते हैं उसकी फॉर्म में भी आती है। सोल्यूशन फॉर्म में ही ज्यादा पॉपुलर है, आप अपने स्कैल्प पे लगाते हो उसको, जहां जहां आपके हेयर फॉलिकल्स हैं वहां जाके ये ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करती है आपके हेयर फॉलिकल में, जो आपके हेयर फॉलिकल्स बंद हो गए उन्हें भी खोलने में हेल्प करती है, जिसकी वजह से नए बाल आते हैं। ड्यूटेस्टेराइड और फिनास्टेराइड मिनोक्सिडिल से भी ज्यादा पोटेंट है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा अच्छी है बालों को उगाने के लिए। मेरे खुद के बचपन के दोस्त ने बालों की रीग्रोथ की है 35 की एज में और वो इस चीज का सारा क्रेडिट जो है ना फिनास्टेराइड को देता है। आसान भाषा में समझाता हूं कि ये तीनों दवाइयां आपके जेनेटिक हेयर फॉल और आपके बालों के बीच में दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। जिस दिन आपने इस दीवार को हटाया उस दिन आपका जेनेटिक हेयर फॉल वापस आपके बालों पर अटैक करेगा और आपके बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे। अब ये प्रोसेस 2 महीने बाद हो सकता है, 2 साल बाद हो सकता है, लेकिन कभी ना कभी आपके जो मिनोक्सिडिल और इन दवाइयों से जो बाल आए कभी ना कभी हटेंगे, कभी ना कभी झड़ जाएंगे जिस दिन आपने इस दवाइयों को यूज करना बंद किया। क्योंकि आपके बचपन
आपकी गर्लफ्रेंड आपके बचपन का प्यार आपका साथ छोड़ के जा सकता है, लेकिन ये जो जेनेटिक हेयर फॉल है ये मरते दम तक आपका साथ निभाएगा, आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला। और इन तीनों दवाइयों में क्या कॉमन है कि शुरू शुरू में जो बाल है वो जरूरत से ज्यादा झड़ने लग जाते हैं, पहले से ज्यादा झड़ने लग जाते हैं, क्योंकि ये दवाइयां ऐसे काम करती है जो कमजोर बाल है पतले बाल है पहले उन्हें हटाती है फिर उसकी जगह नए और स्ट्रॉन्ग बाल उगाती है। तो अगर इन्हें यूज करना स्टार्ट कर रहे हो तो बीच में बंद मत कर देना। अब साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं, मिनोक्सिडिल के साइड इफेक्ट कुछ खास नहीं है, कुछ ज्यादा नहीं है। आपकी स्कैल्प इरिटेशन हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, इचिंग हो सकती है, क्योंकि इसमें अल्कोहल कंटेंट होते हैं। आजकल तो बिना अल्कोहल के भी मिनोक्सिडिल आने लगी है, तो आप वो भी यूज कर सकते हो। लेकिन ड्यूटेस्टेराइड और फिनेस्टेराइड के साइड इफेक्ट्स होते हैं, मेजर साइड इफेक्ट्स हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन, सेक्स ड्राइव का कम हो जाना, ऐसे साइड इफेक्ट्स में देखे जाते हैं, क्योंकि ये डीएसटी को ब्लॉक करती है और डीएसटी का मेन एक काम ये भी है कि आपकी सेक्स ड्राइव को प्रमोट करना। अब बात करेंगे नेचुरल तरीकों की। डीएसटी ब्लॉकिंग फूड्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जिनको कंज्यूम करके आप अपने डीएसटी लेवल्स को कम कर सकते हो। साथ ही साथ तीन ऐसी चीजें मुझे मिली है जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है कि मिनोक्सिडिल के जैसा ही परफॉर्म कर सकती है, आपके बालों की रीग्रोथ पॉसिबल कर सकती है नेचुरली बिना किसी साइड इफेक्ट के। सबसे पहला है रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। 2015 की एक स्टडी पे इसे इंसानों पर टेस्ट किया गया था, मिनोक्सिडिल 2% के अगेंस्ट, मतलब आधे मेल पैटर्न बॉल्डनेस के पेशेंट्स को रोजमेरी एसेंशियल ऑयल दिया गया और आधों को मिनोक्सिडिल 2%, और इन्हें रोज यूज करना था 2 महीने तक, और इनके दोनों के रिजल्ट जो थे वो एक जैसे थे, सिमिलर थे, दोनों में ही हेयर रीग्रोथ देखी गई थी। रोजमेरी एसेंशियल ऑयल आपको आसानी से आजकल मिल जाएगा, किराना स्टोर्स पे भी मिल जाता है, ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हो, लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन इसे आपको मिनोक्सिडिल की तरह डायरेक्टली अपने स्कैल्प पे अप्लाई नहीं करना है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसको आपको किसी कैरियर ऑयल के साथ मिक्स करके, मतलब 2 चम्मच कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, आलमंड ऑयल, ऐसे किसी भी तेल के साथ 4 से 5 ड्रॉप्स डाल के आपको इसे यूज करना है, अपने स्कैल्प पे लगाना है, डायरेक्टली रूट्स पे अप्लाई करना है, 2 से 4 घंटे तक छोड़ना है, उसके बाद हेयर वॉश कर लेना है। मैं भी पर्सनली पिछले 6-8 महीनों से रोजमेरी एसेंशियल ऑयल यूज कर रहा हूँ, मुझे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, मैं इसे कंटिन्यू कर रहा हूँ यूज करना। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अच्छा हेयर केयर रूटीन, अच्छी डाइट, ये सभी मेंटेन करो, उसके साथ ये चीज हेल्प करती है। अब दूसरा है पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल। अब इसकी जो स्टडी है वो इंसानों पे अभी चल रही है, इंसानों पे नहीं हुई, लेकिन चूहों पे इसकी स्टडी की गई थी, और तब इसे रखा गया था मिनोक्सिडिल 3% के अगेंस्ट, और इसने मिनोक्सिडिल 3% को आउट परफॉर्म कर दिया था, मतलब उससे भी ज्यादा अच्छे रिजल्ट इसने दिए थे। ये भी आपको ऑनलाइन आसानी से मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन इसे भी आपको डायरेक्टली यूज नहीं करना, वैसा ही यूज करना है जैसे रोजमेरी एसेंशियल ऑयल को यूज करना है, और इसको मैं यूज कर रहा हूं अपनी दाढ़ी के लिए। तीसरा और आखिरी तरीका है अनियन जूस, यानी कि प्याज का रस। 2014 के एक ट्रायल में 23 लोगों पे इसे टेस्ट किया गया था, उन्हें कहा गया था कि दिन में 2 टाइम आपको 2 महीने तक प्याज का रस जो है अपने स्कैल्प पे लगाना है, और 23 में से 20 लोगों की 6 हफ्तों में हेयर रीग्रोथ हो गई थी, मतलब 87% चांस था इसका। और उन 23 में से भी जो 3 लोग थे जिनकी नहीं हुई वो थी लड़कियां, जो 15 लड़के थे ना इस ट्रायल में, उन 15 के 15 का हेयर रीग्रोथ हुआ। तो भाई लॉन्डो ध्यान से सुनो, प्याज में बहुत ज्यादा सल्फर कंटेंट होता है, एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती है, जो कि आपके बाल उगाने में तो डेफिनेटली हेल्प कर सकती है। अब ध्यान दो, मैं प्याज का रस बोल रहा हूँ, अनियन शैम्पू नहीं बोल रहा, अनियन हेयर ऑयल नहीं बोल रहा, या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं बोल रहा जिसमें प्याज बना हुआ है। अपने किचन में जाओ, लाल रंग का प्याज होगा, उसे काट लो, मिक्सी में पीस लो, और उसका जो रस है ना वो निकाल लो एक छन्नी की हेल्प से। अब इसे आपको लगाना है, स्मेल बर्दाश्त कर सकते हो, एलर्जी नहीं है तो ही लगाना, वरना मत लगाना। और इन नेचुरल चीजों की भी किसी ना किसी को एलर्जी हो सकती है, इसलिए पहले पैच टेस्ट कर लेना। और भाई किसी भी चीज का रिजल्ट जो है आपको 1-2 हफ्ते में नहीं मिलेगा, महीने में भी शायद ना मिले, 3-4 महीने 5 महीने ऐसे यूज करने के बाद आपको रिजल्ट नहीं मिलता तो आके मुझे बताना। 1-2 हफ्ते में मत शुरू हो जाना कि भैया कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा हमको। मिनोक्सिडिल को भी यूज करने के भाई 4-5 महीने बाद रिजल्ट मिलते हैं, तो नेचुरल चीजों से इतना जल्दी रिजल्ट क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो। और जो हेयर फॉल के बेसिक रीजन थे वो मैंने इस वीडियो में बताए हैं, और अच्छी डाइट मैंने इस वीडियो में बताई है, इन्हें भी जरूर एक बार देख लेना।